सभी से आगे यही विमान रहता है सर। बहुत ही कांकरोली का इतिहास है, कांकरोली को खांकाजी रावत ने बसाया था सर। ये रामराज की झांकी है, राम जी वापिस वनवास से अपने दरबार में आए हो। राम जी, लक्ष्मण जी और उनके सेना, वानर सेना, पूरे नगर के नर नारियों के, सभी जातियों के लोग और सभी जातियों के मंदिरों के विमान इस कार्यक्रम और शोभा यात्रा के अंदर में शामिल है। रामधुन में रमा राजसमंद रेवाड़ी व महारास में अवध सा उल्लास। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव पूरे राजसमंद जिले में चरम पर रहा। सोमवार दोपहर अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। शहर और जिले के 5000 मंदिरों में उत्सव जैसा नजारा दिखाई दिया। मंदिरों में यज्ञ अनुष्ठान व महाआरती के साथ प्रसाद वितरण किया गया। सुबह 9 बजे से कार्यक्रम शुरू हो गए। जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई तो यहां मंदिरों में शंख घड़ियाल बजने लगे, आतिशबाजी हुई और महाआरती होने लगी। इसके साथ ही पूरे दिन भर शहर में प्रत्येक गली में राम रक्षा स्त्रोत, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, राम मन का आदि कई प्रकार के पूजा पाठ किए गए। वहीं शाम को श्री द्वारकाधीश मंदिर से विभिन्न समाज की राम रेवाड़ियां एक साथ निकली। 9 चारभुजानाथ के स्वरूपों का अद्भुत मिलन हुआ और द्वारकाधीश मंदिर से चारभुजानाथ के सभी 9 ही स्वरूप एक विशेष शोभा यात्रा के रूप में रवाना हुए, जो द्वारकेश वाटिका तक पहुंचे। पूरे राम रेवाड़ी में राममय उल्लास बना रहा। वहीं द्वारकेश वाटिका में महारास होने पर ब्रज सा उल्लास छा गया। राम रेवाड़ी के स्वागत में पूरे मार्ग पर जगह जगह स्वागत द्वार लगाए गए, तोरण द्वार सजाए गए और लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। जगह जगह आतिशबाजी भी की गई। द्वारकाधीश के पीठाधीश्वर गोस्वामी डॉक्टर वागीश कुमार महाराज की आज्ञा से इस उत्सव को पूरे नगर में हर्ष व उल्लास के साथ मनाया गया। शहर के अधिकांश मंदिरों की राम रेवाड़ी शाम 3 बजे से द्वारकाधीश मंदिर के गोवर्धन चौक में एकत्र होना शुरू हो गई, जहां से पंक्तिबद्ध तरीके से एक के बाद एक ठाकुर जी के विमान को निकाला गया। इस पूरी शोभा यात्रा में 7 घोड़े, 8 बैंड, 5 डीजे शामिल थे। शोभा यात्रा में कांकरोली माटा मोहल्ला छिपा समाज के इस मंदिर से ठाकुर जी का विमान, पूर्विया समाज के मंदिर से ठाकुर जी का विमान, किसान मोहल्ला कुमावत समाज के चारभुजानाथ के ठाकुर जी का विमान, आसोटिया के चारभुजानाथ के ठाकुर जी का विमान, जलचक्की कांकरोली में बाबा रामदेव के ठाकुर जी का विमान, कांकरोली मालिया चौक चारभुजानाथ का विमान, दोहिंदा चारभुजा में बड़ा चारभुजानाथ का विमान, मालिया चौक श्रियादेव देवी मंदिर का विमान, दोहिंदा छोटे चारभुजा जी का विमान शामिल हुआ। यह शोभा यात्रा द्वारकाधीश मंदिर से रेती मोहल्ला, पुरानी सब्जी मंडी, नया बाजार, धोरा मोहल्ला, राटेसेन माता मंदिर, पुराना बस स्टैंड, चौपाटी, जेके मोड़, द्वारकेश चौराहा होते हुए द्वारकेश वाटिका पहुंची। शाम करीब 7:30 बजे द्वारकेश वाटिका यह शोभा यात्रा पहुंची और उसके बाद वहां पर सभी स्वरूपों को भोग धराया गया। भोग के बाद में वहां पर श्री कृष्ण स्वरूप के समक्ष गोपियों के द्वारा महारास का आयोजन हुआ। शहर की महिलाओं ने महारास किया और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर द्वारकाधीश मंदिर के पीठाधीश डॉक्टर वागीश कुमार के सानिध्य में यह कार्यक्रम हुआ और पूरे शहर के लोगों ने उत्साह व उमंग के साथ में भाग लिया। अब देखिए, राम रेवाड़ी जैसे ही द्वारकेश वाटिका में पहुंची, वहां देखिए सभी 9 स्वरूप चारभुजानाथ के कितने अद्भुत हैं, जिनके आप लाइव दर्शन करिए। राजसमंद में रामोत्सव को लेकर श्री द्वारकाधीश मंदिर से चारभुजानाथ के विमान के साथ भव्य शोभा यात्रा रवाना हुई है। महिलाएं नाचते गाते हुए उत्साह के साथ बड़ी आगे बढ़ रही हैं। पीछे यो विमान कहीं से करो, यो आपरे कांकरोली कुमार समाज को ठाकुर जी है, चारभुजानाथ के विमान, चारभुजा जी का मंदिर, कांकरोली किसान मोहल्ला। आज ब्रजेश कुमार जी के जन्मोत्सव पर यह शोभा यात्रा का कार्यक्रम द्वारकाधीश मंदिर से शुरू हुआ, द्वारकेश वाटिका के अंदर में जाकर शोभा यात्रा और सभा के रूप में परिवर्तित होगा। आज राम जी का जन्म हुआ और उसका भी कार्यक्रम के अंदर में सम्मिलित होने पर सभी महानुभावों की आकर्षण बनी है, खासतौर से
कितने छात्रों के हैं, कौन से स्कूल से हैं, क्या नाम है मैम? क्या नाम है? कीर्ति अग्रवाल। कौन से स्कूल से? आदर्श विद्या मंदिर। क्या झांकी में क्या कौन कौन है? इस झांकी में राम सेना भी है, साथ में वानर सेना है। राम जी, लक्ष्मण जी और उनकी सेना वानर सेना है। पूरी वानर सेना। ये उत्साह के साथ में आगे बढ़ रहे हैं सभी समाज जन। आप देख सकते हैं महिलाएं, युवतियां और सभी तरह के लोग भगवा पताकाओं के साथ में विशेष पोशाक में सजे धजे हैं और सभी लोग उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये शोभा यात्रा आगे बढ़ रही है मनमोहक झांकियों के साथ में, चारभुजा नाथ के विवान के साथ में आगे बढ़ रही है। इसी तरह अलग अलग समाज के ये जो झांकी है, ये चारभुजा नाथ का ये विवान है, यहाँ के भी दर्शन कराने का प्रयास करेंगे। ये मुख्य रूप से चारभुजा नाथ का एक और विवान है, कहाँ का विमान है? जी सर, आसोटिया का चारभुजा नाथ का विमान है। मुख्य रूप से आप देख सकते हैं ये अलग अलग जन समाज के लोग हैं। पहले ऐसे कुछ मौका आया द्वारकाधीश ने पहले कभी किया है चारभुजा? पहली बार आए। पहली बार ही? हाँ, एक बार। बाकी पहले कभी चारभुजा विमान अटेंड नहीं किया द्वारका? पहली बार आए। ये अनोखो पहल हुई है, मुख्य रूप से शहर के अलग अलग जगह के जो विमान हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और इस अलौकिक दृश्य को कैमरे में कैद करने का प्रयास कर रहे हैं। ये ठाकुर जी के दर्शन हैं और इसी दर्शनों के साथ में सभी दर्शन कर रहे हैं और इनके पीछे अलग अलग झांकियाँ इन शोभा यात्राओं के साथ में चल रही हैं। पीछे ट्रैक्टर हैं, लोग कतारबद्ध अलग अलग क्षेत्र से सड़क के दोनों ओर जुटे हुए हैं और इस शोभा यात्रा को देख रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। सभी लोग बड़े ही उत्साहित हैं। पीछे श्री तृतीपीठ बन्या श्री द्वारकाधीश मंदिर की पलटन इसके पीछे चल रही है। यह एक मनमोहक झांकी है जिसमें देख सकते हैं श्री राम का क्या ये पूरी झांकी है, अलग कौन कौन से सूर्य उसे भी जानने का प्रयास करते हैं। ये कौन सी झांकी है, क्या है? ये रामराज की झांकी है, राम जी वापिस वनवास से अपने दरबार में आए और राम को सम्रा झांकी में कौन कौन पात्र है? राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी है। किसकी तरफ से बनाया, कौन है? स्कूल की तरफ से? ये मंदिर की संस्था की स्कूल चलती है, आदर्श विद्या मंदिर स्कूल, उसकी झांकी। ये मुख्य रूप से आप देख सकते हैं जो कलाकार हैं, ये सबरी माँ और श्री राम की ये झांकी है जो काफी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। उसके अलावा ये दिखाने का प्रयास कर रहे और इसके पीछे फिर से चारभुजा नाथ का विमान आ रहा है और इस विमान को दर्शन करने का प्रयास करेंगे। ये अलग अलग समाज और धर्म समाज के ये कैसे समाज, कहाँ का है ये? काकरोली पूर्वीय समाज के किस जगह के मंदिर है? मंदिर किस जगह? मंदिर माल्या चौक। माल्या चौक मुख्य रूप से ये भगवान चारभुजा नाथ का विमान है और यह है चारभुजा नाथ के विमान और जहां पर आप लाइव दर्शन कर पा रहे हैं आप देख सकते हैं। और ये इसके पीछे भी ये वापस शोभा यात्रा आ रही है, इसमें भी अलग अलग झांकियां इसमें मुख्य रूप से सजी हुई हैं। ये एक झांकी है श्री राम की चरण पादुका यहाँ पर बनी हुई है, ये झांकी है। राजसमंद में साक्षी गोपाल जी का मंदिर है और इसी के बाहर बड़ी तादाद में श्रद्धालु मौजूद हैं और यह जैसे ही श्री द्वारकाधीश मंदिर से शोभा यात्रा आगे बढ़ रही है तो उसके दर्शन आप राम रेवाड़ियाँ सभी यहाँ रुक रही हैं। जैसे साक्षी गोपाल मंदिर के सामने समक्ष आप देख सकते हैं यहाँ पर रुके हैं और यहाँ दर्शन भी किए जा रहे हैं। विमान किस जगह का है? ये रावत राजपूत समाज का है, माल्या चौक काकरोली का। ये पहले कभी द्वारकाधीश जी के पहली बार गए? नहीं, हर जल जुलने के रस को जाते हैं। द्वारकाधीश मंदिर जाता है? द्वारकाधीश मंदिर जाता है। हाँ हाँ, ये मुख्य रूप से अलग अलग
ये जो विमान है कांकरोली के सबसे पुराना विमान है। खांका जी द्वारा कांकरोली को बसाया गया था। ये रावत राजपूत समाज का विमान है और बड़े ठाकुर जी यही है कांकरोली के, जो जलजूर्णी एकादशी पे भी सबसे आगे विमान इन्हीं का रहता है। बहुत ही कांकरोली का इतिहास है। कांकरोली को खांका जी रावत ने बसाया था सर। ये चार भुजनाथ जैसे द्वारकाधीश ही जलजूर्णी के टाइम भी जाते हैं, जलजूर्णी के समय आगे सभी से आगे यही विमान रहता है सर। दूसरे सब पीछे, हाँ जी दूसरे सब पीछे रहते हैं, दूसरे सभी विमान पीछे रहते हैं। कांकरोली के संस्थापक खांका जी रावत थे सर। ये मुख्य रूप से उत्साह है सभी लोगों में हर वर्ष। द्वारकेश वाटिका में महाराज के तहत महिलाएं महाराज कर रही हैं। द्वारकेश वाटिका परिसर का ये दृश्य आप देख सकते हैं लाइव। राजसमंद के द्वारकाधीश मंदिर की पहल पर राजसमंद के द्वारकेश वाटिका में महाराज का आयोजन हो रहा है। यहाँ पर भव्य आतिशबाजी चल रही है तो महिलाएं यहाँ नृत्य कर रही हैं। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथ द्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथ द्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।